जय मसीह की। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन। वचन कहता है, बुद्धिमान के समान कौन है, किसी बात का अर्थ कौन बता सकता है। मनुष्य की बुद्धिमानी उसके मुख को प्रदीप्त कर देती है तथा उसके कठोर मुख को चमका देती है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वचन अद्भुत है। यह वचन क्या कहता है दोस्तों? यह वचन हमें बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति का मुख हमेशा प्रदीप्त उज्जवल होता रहता है। उसके मुख से आप शांति को महसूस करेंगे। उसके चाहे कैसा भी तनाव हो, चाहे कैसा भी दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने मुख में हमेशा उस ज्वाला को लिए फिरता है, उस नूर को लिए फिरता है, उस शांति को लिए फिरता है हमेशा, क्योंकि वो बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि परमेश्वर के वचनों को समझता है। वो जानता है परमेश्वर की योजनाओं को। वो जानता है कि ये दुख क्यों आया, ये सताव क्यों आया है, क्योंकि वो परमेश्वर के करीब है। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर को जानता है। बुद्धिमान वही है जिसने परमेश्वर को अपना आधार बना लिया है। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर को समझता है। इसलिए दोस्तों, पत्रस ने इनकार किया यीशु मसीह का 3 बार, उसने पश्चाताप किया, लेकिन फिर भी उसके बाद जब यूहन्ना 21 में उस झील के किनारे जब यीशु मसीह आए और पत्रस फिर से मछलियों को पकड़ रहा था, यीशु मसीह उसके लिए रोटियां और मछली सेक रहे थे। हालेलुया। वो प्यार परमेश्वर का, वो स्नेह परमेश्वर का, वो अनुग्रह परमेश्वर का अद्भुत है मेरे भाई। जब हम इस अनुग्रह प्रेम और प्यार को और त्याग को समझ जाते हैं तो कोई भी सताव हमारे लिए दुख नहीं लेके आ सकता है। पत्रस आया और पत्रस को परमेश्वर ने पूछा, यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है, और एक बार नहीं 3 बार पूछा। पत्रस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ों के लिए मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों से प्रेम रख। क्योंकि सच्चा चरवाहा कौन है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है? ये बुद्धि पत्रस के दिमाग में आई और बाइबल बताती है कि ताउम्र वो यीशु मसीह के लिए सताव सहता रहा और उसके मुख पर शांति थी, उसके दिल में शांति थी। एक ऐसा जोश उसके मन में था, एक ऐसा उत्साह उसके मन में था जो कभी ख़त्म ना हुआ, क्योंकि उसने बुद्धि पा ली थी, उसने वो वचन पा लिया था, उसने वो यीशु मसीह के प्यार को समझ लिया था, उसने यीशु मसीह के स्नेह को जान लिया था, उसने यीशु मसीह की योजनाओं को जान लिया था। पौलुस जो पहले व्यवस्था को समझता था, व्यवस्था को जानता था लेकिन समझता नहीं था, उसने यीशु मसीह के अनुयायियों को मारा, कूटा, उनको जेलों में भर दिया, लेकिन दमिश्क में क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए और उससे कहा कि शौल, तो मुझे क्यों सताता है? 3 दिन तक उसकी आंखें बंद रहीं, वो देख नहीं सका, लेकिन उन 3 दिनों में उसके चेहरे पर शांति आई, उसे बुद्धि मिली, उसे ज्ञान मिला, उसे प्रभु मिला। तो दोस्तों, बुद्धिमानी क्या है? उस वचन को अपने अंदर रखना जो परमेश्वर का है। जब वो वचन हमारे अंदर आता है तो हमारी बुद्धिमानी हमारे चेहरे पर एक ज्वाला, एक प्रदीप्त दीपक जलाती है, एक सुख का उजाला हमारे चेहरे पर होता है, एक नूर हमारे चेहरे पर होता है, और दुनिया जानती है कि हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह की आत्मा हम में है और हम यीशु मसीह की ज्योति बनकर दुनिया में रह रहे हैं। इसलिए दोस्तों, उस बुद्धिमानी को हमेशा अपने मन में रखिए, क्योंकि समय आ गया है, सताव का समय। शैतान बौखलाया हुआ है, वो किसी भी बात पर आपको अशांत करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अशांत नहीं होना है, आपको बिल्कुल अशांत नहीं होना है। परमेश्वर हमारे साथ है, हम जो कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई भी ऐसा काम प्रभु बिना प्रभु के लिए नहीं है, हम प्रभु की सेविकाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना है, हमें सताव के बहकावे में नहीं आना है, हमें सिर्फ प्रभु को देखना है कि हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। इसलिए आइए दोस्तों, हम अपने शपथ खाएं, हम वाचा बांधें
कि जो भी सताव आए लेकिन हमारे शांति को वो नहीं ले सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति हैं, हम यीशु मसीह के नमक हैं, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य हम करेंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे, वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए करेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम उस सुख, उस आनंद, उस ज्ञान, उस बुद्धि, उस वचन को अपने मन में बसा के रखें और बिना डरे हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ें। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन।